तो हम तो यूँ कह रहे हैं कि जिसके अंदर दम है, जिसकी वो टावर रुकवा के दिखवा ले, मैं तो टावर लगवाऊंगा ही लगवाऊंगा। अभी उसकी माँ ऐसा करके ऐसा कर ले बुढ़िया कह रही उसकी सुनो ना टावर लगा है। हाँ। कि तू भाई क्यों लगवा रहा है, तो हमसे कह रहे तुम्हारे आदमी मर गए एक है, जो औरतें अपनी आगे कर दी हैं सबने। इस टावर को हटाया जाए, इस टावर को हटाया जाए। दरअसल मीठापुर के शक्ति विहार में मोबाइल टावर के लगने से स्थानीय लोग प्रदर्शन करते नजर आए। कहने को तो मात्र एक टावर है, लेकिन लोगों के लिए कितना घातक सिद्ध हो रहा है ये टावर, इस पर जब हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की और जानने की कोशिश की कि आखिर जिस मोबाइल को आज के समय में वरदान माना जाता है, उसी मोबाइल टावर के लगने पे आखिर किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो देखिए उस पर लोगों का क्या कहना है। मीठापुर के शक्ति विहार में मौजूद है, इस मुद्दे को लेके हम लोगों से ये जानना चाहते हैं कि आखिर उनको किन किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, उन्हें आखिर इस टावर को लेके, मोबाइल टावर को लेके आखिर क्या परेशानी है। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता देवी है। मैम आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरे को हार्ट का ऑपरेशन हो रखे मेरे दो, और मेरे को बहुत दिक्कत होगी इस टावर से। क्या दिक्कत है? हार्ट प्रॉब्लम है तो रेडिएशन को लेके कोई? रेडिएशन लेके मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अच्छा। मैम आपका क्या नाम है? दिव्या शर्मा। मैम आपको क्या प्रॉब्लम है इसको लेके? जैसे यहाँ पे गली में छोटे छोटे बच्चे हैं, हार्ट के पेशेंट ज्यादा है, ठीक है, और इस की जो टावर की रेडिएशन है ना बहुत हाई लेवल की है, ठीक है, बहुत हाई लेवल की रेडिएशन है, तो ये जो लोगों को बीमार कर देगी। इससे हमने पढ़ लिया सब कुछ गूगल पे सब डाल के, कैंसर के भी कारण इसी से ही होता है सबसे ज्यादा। और पहली बात तो ये है कि ये गली है, यहाँ पे मकान इतना आसपास में है, तो यहाँ ये होना ही नहीं चाहिए, ये कहीं खाली जगह पे बनवाना चाहिए इन लोगों को। बुजुर्गों को लेके यहाँ पे हाँ बिल्कुल, उनके लिए दिक्कत है, बच्चों को दिक्कत है, छोटे छोटे बच्चे हैं बिल्कुल साथ में जिनका मकान है ये है, उनको भी दिक्कत है, सभी को दिक्कत है। मैम क्या इसको लेके आपने कोई लिखित आवेदन किसी को? हाँ जी लिखित हमने SHO को भी यहाँ पे अपनी कंप्लेंट दी है, हमने यहाँ के विधायक को भी दी है, जितने भी थे हमने सबको दे दी है। यहाँ पे आके हम ही चमकाया जाता है, पुलिस वाले हमारी ही वो करते हैं, क्या कहते हैं, आप बीच में बोलोगे तो आपको अंदर डाल देंगे सबको, तो ये सब हमें ही बोल रहे हैं आके। हमने सबको कंप्लेंट करी है, SHO को कर ली, विधायक को कर ली, सबको कर ली, वो तो साफ बोलता है मैं लगवाऊंगा चाहे कुछ भी कर लो। ये कौन बोलता है? ये बंदा जो लगवा रहा है वो साफ बोलता है कि क्या नाम है? विजय शर्मा। विजय शर्मा। मैम क्या नाम है आपका? मनप्रीत कौर। मैम आपको क्या दिक्कत है? मैम देखिए इस टावर से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, वैसे ही हम लोग इतनी बीमारियों से, कोरोना जैसे फैल रहा है, और आप देखो कितना सारा पॉल्यूशन हो रहा है, ऊपर से अगर ये भी मार पड़ जाएगी तो फिर देखो कहाँ इंसान जिएगा, कहाँ जाएगा वो। तो मेरे हिसाब से या तो कोरोना से ही मर जाओ, अगर इससे मरना है तो ये तो स्लो पॉइजन है एक तरह से। आप देखो इसके जो इल इफेक्ट्स हैं वो हमें एक दो सालों बाद नज़र आएंगे, ठीक है ना। ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं, कैंसर है, आप भी जानते हो रेडिएशन बहुत हार्मफुल होती है हमारे लिए, ठीक है ना। तो हम देखो सारे लोग इस चीज़ का बॉयकॉट कर रहे हैं, तो इस एक बंदे को हट जाना चाहिए, ठीक है ना, और पुलिस को भी इस बात को मानना चाहिए कि इतने सारे हजारों लोग जब इस चीज़ का बॉयकॉट कर रहे हैं तो वो इनका फेवर क्यों कर रहे हैं। प्रशासन भी जो है वो जनता के साथ मौजूद नहीं है, उनके साथ खड़ी नहीं है। प्रशासन से जनता ज़्यादातर उम्मीद लगाती है, लेकिन जब प्रशासन ही हाथ पीछे कर ले तो इसमें भला जनता करे तो करे क्या। चलिए कुछ और लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। मैम ये बहुत एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ करता है, इसको ही डजेंट नो हाउ टू टॉक विद लेडीज़, ये लेडीज़ के साथ इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। इसकी वाइफ, इसकी जो भी वॉट एवर सिस्टर इन लॉ जो भी हैं वो भी बहुत गंदे से बात करती हैं। ये लोग आपको बताएंगे कैसी एब्यूजिव लैंग्वेज का क्या क्या बोलती है। जी हम कुछ दिन गए तो हमसे ये कह रहे हैं कि जिसके अंदर दम है, जिसकी कान में दम है, वो टावर रुकवा के दिखवा ले, मैं तो टावर लगवाऊंगा ही लगवाऊंगा, ठीक है। हम उस दिन सारे प्रदर्शन करने आए इसके बाहर कि तू भाई क्यों लगवा रहा है, तो हमसे कह रहे हैं तुम्हारे आदमी मर गए हैं क्या, जो औरतें अपनी आगे कर दी हैं सबने। हमसे हमेशा गंदी गंदी लैंग्वेज में बात करता है, इसकी औरत हमसे अलग बदतमीजी बात करती है कि आ गई यहाँ पे अपनी सी कुतियाँ रांड, ऐसे ऐसे करके बोलती है हमें सारी लैंग्वेजों में। क्या नाम है इन दोनों का? आदमी का तो विजय शर्मा है, औरत का क्या नाम है इसकी? सरस्वती का पता चल गया तो औरत बबली शर्मा नाम है। और गाली भी देती है, आप लोगों को नहीं विश्वास होगा कि हाँ ये गाली देती हैं, तो मैं एक नहीं सभी जितने भी बहने लोग हैं उतने विश्वास। क्या जिसके घर में टावर लगाए वो गाली देती है? हाँ। क्या जिसके घर में टावर लगाए वो गाली देती है? हाँ। बोलो भाइयों, बोलो बहनों, क्या टावर होता है वो सच है या झूठ है? सच है, सच है, सच है। इस टावर को हटाया जाए, इस टावर को हटाया जाए। मैं शक्ति
बिहार से निर्मला पांडे बोल रही हूँ कि यहाँ बड़े बड़े नेताओं का हाथ है, जब तक नेताओं का हाथ नहीं होगा जब तक ये बड़ा काम नहीं होगा। छोटे छोटे काम के लिए तो ये घर में दाल नहीं बनती है, ये कहाँ से बन लग जाएगी। जब होता है इलेक्शन के टाइम में पैर पैर करते हैं आकर के, और आज कोई इतने जनता के भाइयों के बहनों को कोई नहीं सुन रहा, सब रो रहे हैं चिल्ला रहे हैं, मेरे बच्चों को बीमारी होगा, मेरे सास को बीमारी होगा, मैं घर में बीमार, कोई यार नेता सुनने के लिए नहीं है। और जब घर में जाओ तो कहते हैं आप ऐसा खर्चा करो, कोर्ट में जाओ, अरे भैया मैं तो खाने की पैसे नहीं है, आज तो 2 साल से 3 साल से इतना बीमारियाँ हो रखा है कि बेटा बैठा हुआ है, आदमी बैठा हुआ है, घर में दाल चावल नहीं बन रहा है, मैं कहाँ से पैसा लगा करके खर्चा करूँगी, कोर्ट में जाऊंगी। हम लोग सभी से यही निवेदन है कि जितने भी लोग नेता लोग हैं आज मेहरबान हो, जनताओं पर देखें कि शक्ति बिहार भी कोई चीज है और इस पावर को हटाया जाए। मैम ये बहुत एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज करता है, इसको ही डजंट नो हाउ टू टॉक विद लेडीज, ये लेडीज के साथ इतनी गंदी लैंग्वेज यूज कर रहा है, इसकी वाइफ, इसकी जो भी व्हाटएवर सिस्टर इन लॉ जो भी हैं वो भी बहुत गंदे से बात करती हैं। ये लोग आपको बताएंगे कैसी एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज। मैं MCD के पास भी गए, SDM के पास भी गए, ठीक है, और हम यहाँ के SHO के पास भी गए, DC के पास बदरपुर भी गए, ठीक है, कहीं से हमारी कुछ सुनवाई नहीं है, कोई बोलने को राजी नहीं है, सब ये कहते हैं कि कोर्ट में जाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। तो कोर्ट के पैसे कौन देगा, आपने पूछा नहीं? हाँ वही तो हम कहना चाह रहे हैं ना कि हम कहाँ से कोर्ट के कहाँ से पैसे देंगे, या हम कितने लोगों को इकट्ठा करते फिरेंगे। एक चीज से हमें दिक्कत है, लेकिन उस चीज को ये जबरदस्ती लगाने पे तुला हुआ है। विधायक के पास जाते विधायक नहीं आने को तैयार होता, कोई सामने आने को तैयार नहीं होता, इसका मतलब क्या समझे कि सब पैसे खा के बैठे हुए आज की डेट में। यहाँ पे 3 साल से तो बीमारियां ऐसे है कि सारा घर में दाल रोटी तक नहीं बन रही है, आदमी का नौकरी छूटा हुआ है, बेटा का नौकरी छूटा हुआ है, घर में एक टाइम बनती है तो एक टाइम लाले पड़ते हैं, हम कहाँ से लड़ाई करेंगे, कहाँ से कोर्ट जाएंगे, ये पहले बताओ काहे को किराया, काहे को ससुरा का ये है सब। मैम विधायक क्या कहता है कि वो आप लोगों के लिए मौजूद नहीं है? यहाँ कोई भी नहीं, यहाँ कोई भी नहीं सुन रहा, किसी का नहीं सुन रहा, 3 महीने से विधायक के यहाँ जा जाके दुखी हो रहे, विधायक नहीं सुनता, यूँ आज मैं यहाँ नहीं हूँ, आज वहाँ नहीं हूँ, और बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, यूँ मेरा तो ये इनको समझ नहीं आती, गरीब आदमी क्या करेगा, बीमार हो जाएगा तो आगे हम लोग बीमार चल रहे हैं, और बीमार हो जाएंगे मर जाएंगे, हमारे बाल बच्चे का क्या होगा, ये तो समझना चाहिए ना इनको, ये क्यों नहीं समझते, ये आवाज जनता की नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे, तो कल को वोट लेने भी आना है इन्होंने, तो जो इनके साथ लगे हैं नेता तो उनका क्या हाल होएगा फिर, आगे भी तो ऐसा ही होता है, अब फिर ऐसा ही होना है, कर रहे हैं तो ये तो हटाना ही पड़ेगा इनको, जितना मर्जी ये बोलते हैं ना, पैसे की धमकी देते हैं तो फिर वो पैसा खाते हैं MLA, पैसे की आप लोगों को धमकी भी दी गई है? पैसे की धमकी देते हैं कि तुम जहाँ मर्जी जाओ, हमारे हमने बहुत पैसा लगाया, हमने इसको कोई हटा नहीं सकता, कोई पैदा ही नहीं हुआ, कोई पैदा ही नहीं हुआ जो इसको हटाएगा, अभी उसकी माँ ऐसा करके ऐसा कर ले, बुढ़िया माँ कह रही उसकी टावर लगाया, हाँ उसकी माँ कह रही अभी मतलब सरे हम आपको धमकी दे रही है। हाँ वो तो कहती है गुरुद्वारे वाली मुर्दाबाद और हम जिंदाबाद, हमारे लोगों को गुरुद्वारे वाले मुर्दाबाद हैं तो हम जिंदाबाद हैं, अभी आन के अभी बसी भी नहीं तो इसने हंगामा कर दिया, पब्लिक को परेशान करके रख दिया, पब्लिक कहाँ जाएगी जो आज 300 साल के बैठी है यहाँ पे चक्कर में परेशान हो। तो देखा आपने जो व्यक्ति गलत काम कर रहा है, जो गलत तरीके से टावर लगा है, जिससे लोगों को तकलीफ हो रही है, वही लोगों को ठेंगा दिखा रही है, खुद गलती करके और खुद दूसरों को ठेंगा दिखा रही है, जो कि सरासर गलत है। कोरोना ये सब कहाँ जाता है, सब रैलियाँ लेके जाते हैं तब कहाँ जाता है, और आज के डेट में सब बोलते हैं कि मास्क लगाओ, ये करो वो करो, हाँ ये सब ठीक है, पर अगर कभी इलेक्शन हुआ, रैली हुई, तो वहाँ उस टाइम कहाँ गया, फिर तो सब बोलते हैं कि हाँ वोट दो वोट दो वोट दो, आकर पैर छूते हैं, उस टाइम रैलियाँ निकालते हैं, तब कुछ नहीं होता, जनता के सामने आने के लिए कोई भी विधायक नहीं है, कोई भी बड़े बड़े लोग नहीं है, ताकि मैं उन लोगों का गरीब का जाकर के सुनूं और निवारण करूं। क्या नेता को हमने यहाँ का नेता बनाया है, वो आज हमारे साथ नहीं है, और अगर हमारे साथ नहीं आया है तो अगर हम उसको वोट नहीं देंगे, और हम फूलों की माला डालने की जगह जूतों की माला डालेंगे उसके, और अगर उसमें हिम्मत है तो इसे हटवाए, हटवा दे, हम इतना चाहते हैं, मेरे मैं खुद हटवा दे, बस हम लोग यही खुद में हट में संडू पीछे ही मेरा घर है।
उसको हम माला की, फूलों की माला की जरूरत नहीं है, उसे जूतों की माला की जरूरत है। और नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह। सर आपको क्या दिक्कत है? हमें दिक्कत नहीं है, हमारी पूरी जनता को दिक्कत है। यहाँ पे जनता का ध्यान रखना पड़ेगा हमारे को। यहाँ पे इतनी बीमारियाँ फैल रही हैं, ये यहाँ पे ये लगा हुआ क्या नाम है उसको, ओजोन लगा हुआ है। ओजोन के बावजूद ये यहाँ पे टावर क्यों लग रहे हैं? मकान बनने के लिए तो दिक्कत हो रही है, गवर्नमेंट यहाँ पे गिराने आ जाती है, पुलिस गिराने आ जाती है। ओजोन लगा हुआ है, ये टावर कैसे लग गया? ये हमें ये नहीं समझ आता, पैसा कौन खा रहा है, क्या हो रहा है? ये ना तो MLA पार्षद कोई भी यहाँ पे किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये इतनी जनता पूरी एक 3-4 महीने से उन्होंने फांसी में लगा रखी है। ये अपने फायदे के लिए ये एक बंदा सबको परेशान कर रहा है, कम से कम देखना चाहिए ना ये इसको। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपेश सरपंच है। सर आपको क्या समस्या, टावर करने का क्या समस्या है? ये टावर आप देख रहे हो, यहाँ पे पूरी कॉलोनी बसी हुई है और यहाँ पे हर आदमी को, हर लेडीज बच्चों सबको प्रॉब्लम है यहाँ पे। सर आप लोग तो यंगस्टर है, कि आपने क्या कदम उठाया अपनी तरफ से? मैडम हमने जो कदम उठाया, थाने में गए, सब लोग इकट्ठे हुए, SHO से बात की, निगम पार्षद से बात की, यहाँ विधायक है रामवीर सिंह भिदूड़ी जी उनसे बात की, पर कोई हमारी नहीं सुनता यहाँ पे। इसके लिए कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार को कदम उठाने चाहिए। क्यों नहीं कार्रवाई हुई, क्या लगता है आपको उसके पीछे क्या कारण है? ये पैसे वैसे लेके पैसे लिए? हाँ जी, पैसे किसने लिए? नेता ने लिए, जब ये कार्रवाई नहीं हो रही है तो नीचे ये तो हटना चाहिए। इससे कितनी घातक बीमारियाँ फैलती हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होगी, ये तो हटना चाहिए ना जी। तो दे रखा है यहाँ पे, विधायक को भी दे रखा है, सांसद को भी दे रखा है, लिखित रूप में केजरीवाल जी को भी दे रखा है। कितनी बार दिया है जो कार्यवाही नहीं हो रही? मैम चाहे अब 6ठी बार मैंने कल मेल किया है दोबारा उन्हें। अच्छा, हाँ। तो देखा आपने, लोगों को कहना है कि निकटतम पुलिस प्रशासन से लेकर विधायक तक को उन्होंने लिखित आवेदन दे दिए, लेकिन नेता तो दूर, स्थानीय पुलिस प्रशासन भी जनता का साथ नहीं दे रही। कहने को खाकी वर्दी वालों का काम जनता की रक्षा करना है, लेकिन क्या हो जब यही रक्षक भक्षक बन जाए। इतना ही नहीं, लोगों का ये भी आरोप है कि जिन्होंने ये टावर लगाया है उन्होंने स्थानीय लोगों को, जो मोबाइल टावर लगने का विरोध कर रहे हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया और प्रशासन और विधायक वहां बने मूक बने देख रहे थे और जनता के लिए कभी मौजूद नहीं रहते। अब यहां ये कहना गलत नहीं होगा कि नेताओं को जनता का ख्याल तब आता है जब चुनाव नजदीक हो और मुद्दा उछाला जाता है, क्योंकि अभी जिन परेशानियों से लोग त्रस्त हैं वो मुद्दा ना तो विधायक को दिखाई दे रहा है और ना ही स्थानीय पुलिस प्रशासन को। कहने को यही नेता जब चुनाव नजदीक होते हैं तो घर घर ये कहकर डोलते हैं कि आपके हर आदेश को मैं कबूल करता हूं, क्षेत्र के विकास को अपना उसूल करता हूं, हाथ जोड़कर आप सभी क्षेत्रवासियों से मेरे पक्ष में वोट करने के लिए अपील करता हूं। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।